एवरीवन, मैं हूं फैजान और आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल हम लोग निकले हैं व्हील अलाइनमेंट करवाने। इसका रीज़न ये था कि अभी मैं खैर आउट स्टेशन से ट्रैवल करता हुआ आया हूं, तो मुझे अगली बार अभी फील हुई कि मुझे थोड़े से जर्क उसमें महसूस हो रहे थे, वाइब्रेट हल्की कर रही थी, इतनी हल्की खैर नहीं कर रही थी गाड़ी। लेकिन मेजर रीज़न मैं आपको बताऊँ उसका अलाइनमेंट का क्या था कि पीछे वाले दोनों टायर्स में मुझे ब्लैक कलर की लाइन एक दिख रही है, जो कि ये इंडिकेशन है कि आपके टायर्स में व्हील अलाइनमेंट की ज़रूरत है। मेरे खैर जो आसपास मार्केट है वो सेक्टर 61 कह सकते हैं नोएडा का, वहाँ पर है, तो वहाँ पे कार मार्केट है, तो काफ़ी अच्छे और बहुत रीज़नेबल रेट्स में आपको सारे काम करने का एक मौका मिल जाता है कार्स के लिए स्पेशली। तो कह सकते हैं कि हाँ, रेट बहुत रीज़नेबल है वहाँ के। और अगर आपको कोई भी काम करवाना है अपनी गाड़ी में या फिर किसी भी और तरह का एक्सेसरीज वगैरह, वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अलाइनमेंट करवाने के लिए, तो देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से अलाइनमेंट होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल। और कितनी एग्जैक्टली ज़रूरत है हमारी गाड़ी में, कितना सेंटर आउट है वीकेंड से, तो उस हिसाब से जो है हम अलाइनमेंट करवाएंगे। सो सी यू देयर। हमारी गाड़ी में आज जो है वो व्हील अलाइनमेंट की ज़रूरत है। जो दोनों टायर्स हैं उसमें लाइन आ रही थी, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं। व्हील अलाइनमेंट हम लोग देखेंगे कि क्या उसमें ज़रूरत है व्हील अलाइनमेंट की और बैलेंसिंग की। सो देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हम कर सकते हैं। इसके वाले के जो दोनों टायर्स हैं इसमें ब्लैक कलर की लाइन जो है वो पूरे टायर में आ रही है, अगर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल विजिबल है, तो ये सीरियस इंडिकेशन है कि आपको सही में बहुत जल्द अलाइनमेंट की ज़रूरत है व्हील अलाइनमेंट की। आगे के टायर तो ठीक है, आगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, सरफेस भी बिल्कुल एक जैसी ही है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। पीछे का हाँ, थोड़ा टायर में भी कह सकते हैं कि ग्रूव कम बचे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा कोई इरादा नहीं है इसको अभी चेंज करने का, तो अभी थोड़ा सा मैं इसको और एक डेढ़ महीना खींच सकता हूँ, पर फ़िलहाल अलाइनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं ये अलाइनमेंट अभी फ़िलहाल करवा रहा हूँ। उस तरफ का जो टायर है, दोनों टायर मैं मुझे स्वैप करवाने हैं, क्योंकि आगे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पीछे का टायर नया है, थोड़ा सा ज़्यादा नया भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना कंडीशन है तो मैं स्वैप कर सकता हूँ, क्योंकि आगे अगर ब्रेकिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी कि आगे के जो टायर हैं वो बिल्कुल भी स्लिप ना करें, तो इसीलिए मुझे इसको स्वैप करवाना है। तो भैया अभी जो है इसको स्वैप करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है अलाइनमेंट इसकी गाड़ी करवाएंगे। फ़िलहाल हमारी गाड़ी जैक पे चढ़ चुकी है, पीछे वाला टायर हमारा भैया खोल रहे हैं अभी। पीछे भी इस साइड के टायर में, राइट हैंड साइड के टायर में भी सेम प्रॉब्लम है कि उसमें एक लाइन बन रही है, जो कि इंडिकेशन होता है कि आपका अलाइनमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसको आपको सही करवाना है। व्हील बैलेंसिंग अभी हम नहीं करवाएंगे, पहले हम अलाइनमेंट करके देखेंगे इसका। करने से पहले सारे टायर में, चारों टायर में जो है प्रॉपर प्रेशर चेक किया जाता है, अगर कम है तो उसको पूरा किया जाता है, उसके बाद ही अलाइनमेंट होता है। तो हमारे टायर जो है वो ऑलमोस्ट स्वैप हो चुके हैं, बस आगे का टायर अभी बचता है, तो वो भैया एयर प्रेशर फिल करके वो फिट करेंगे, एंड देन वी विल फर्दर मूव टू अलाइनमेंट ऑफ आर कार। टायर लग चुके हैं और फिलहाल वक्त है व्हील अलाइनमेंट का। भैया अभी हमारी गाड़ी को इस, क्या कह सकते हैं, इधर फनल वॉट अवर्ड इट इज, उस पर लगाएंगे, फिर जो है प्रोसेस स्टार्ट करेंगे व्हील अलाइनमेंट का। सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है उन्होंने एंट्री करी है हमारी गाड़ी के व्हील्स के अकॉर्डिंग, तो इसके बिल्कुल सेंसर्स जो हैं वो यहाँ से रीड करते हैं, जो दोनों तरफ सेंसर्स होते हैं, और भैया जो लगा चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी,
दीज आर द सेंसर्स जो कि हमारे यहाँ पे चारों टायर में लगा दिए जाएंगे। उसके बाद फिर जो भी डेटा रहेगा इसका इसमें रिकॉर्ड होगा और जो भी ज़रूरत होगी अलाइनमेंट की वो यहाँ से जो है वो फिक्स करी जाएगी। अलाइनमेंट जो मैनुअली होगी लेकिन एग्जैक्टली जो है जो यहाँ पे डेटा है यहाँ पे रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से जो है वो बताया जाएगा कितनी ज़रूरत है। भैया ने अब जो है स्टार्ट कर दिया ये प्रोसेस और जो रेड कलर से जो मार्क आ रहा है तो इंडिकेशन है कि वो वहाँ पे ज़रूरत है अलाइनमेंट करने की। इसके बाद जो जो टायर ग्रीन होता रहेगा इट मीन्स द अलाइनमेंट हैज बीन डन। ये देखिए रेड कलर का मार्क आ रहा है तो इसको वो सेट करेंगे कि कितना रिक्वायरमेंट है। और इसका जो सेंसर्स हैं दोनों यहाँ लगे हुए हैं एक इस साइड पे और एक साइड पे जो कि वहाँ पे जो प्लेट लगी है उस पर जाकर रीड करता है लाइक दिस। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ जो ग्रीन डॉट आ रहा है इट मीन्स वहाँ उसका अलाइनमेंट हो चुका है। जहाँ जहाँ रेड कलर का डॉट आता रहेगा वहाँ पे एग्जैक्टली ज़रूरत होगी उसको थोड़ा सा अलाइन करने की। देखिए वी आर बैक टू होम और जैसा कि आपने देखा कि हमने आज अपनी गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट करवा लिया है। वैसे सोचा मैंने ये था कि व्हील अलाइनमेंट के साथ साथ मैं अपनी व्हील बैलेंसिंग भी करवाऊंगा, पर जब मैं वहां गया तो उन्होंने सजेस्ट किया कि व्हील बैलेंसिंग की अभी ज़रूरत नहीं है। उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ बाद में कि क्यों एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा बोला। खैर व्हील अलाइनमेंट जब मैंने करवाया तो जो मुझे प्रॉब्लम महसूस हो रही थी क्योंकि सिटी ड्राइव में तो इतना फील नहीं होता जितना कि अगर आप हाईवे पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे ये वाली बात आपको नोटिस करने को मिलेगी कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है। व्हील अलाइनमेंट में अगर कह सकते हैं कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत जर्क महसूस होता है लेकिन वो व्हील बैलेंसिंग में ज़्यादा होता है। अगर व्हील बैलेंसिंग आपकी गड़बड़ है तो आपको अंदर एक ड्रोन सा या फिर वाइब्रेशंस आपको फील होगा। इसका चेक करने का भी आपको एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा ये व्हील बैलेंसिंग का। अपनी गाड़ी के अंदर बैठें आप चलाएं उसको, उसके बाद 80-100 कह सकते हैं किलोमीटर पर आपकी स्पीड पे अगर हो और आप सीधा अपना स्टीयरिंग जो व्हील है उसको आप टाइटली पकड़ें। अगर आपको ये महसूस हो जाए कि हाँ वाइब्रेशन एक वेरी एबनॉर्मल काइंड ऑफ वाइब्रेशन इफ़ यू फील तो आपकी गाड़ी में व्हील बैलेंसिंग की ज़रूरत है। व्हील अलाइनमेंट में अगर हम देखें तो कभी आपने अगर ये वाली बात नोटिस की होगी कि सामने से अगर कोई गाड़ी जा रही है तो सीधी जाने के बजाय वो टेढ़ी टेढ़ी जाती है तो वो एक तरह से कहें कि उसका सेंटर आउट है। आगे वाले जो पहिए हैं दोनों के दोनों व्हील्स वो किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो पीछे वाला जो पोर्शन है वो किसी और डायरेक्शन में मूव हुआ हुआ है, इसी वजह से जो है वो व्हील अलाइनमेंट गाड़ी का गड़बड़ हो जाता है। तो ये था व्हील अलाइनमेंट के बारे में और व्हील बैलेंसिंग के बारे में। मेरी गाड़ी में जो ये महसूस मुझे हो रहा था कि क्या एग्जैक्टली जो गड़बड़ है वो गड़बड़ ये हो रही थी कि अगर मैं अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसे अगर मैं टर्न कर रहा था तो मुझे इतना टाइटनेस उसमें फील हो रही थी कि मुझे पूरी जान लगाना पड़ी थी उसको मोड़ने के लिए। तो एक सबसे पहला कि हाँ ये फैक्टर या फिर सीखते हैं कि आपकी गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जनरली टाइट जो स्टीयरिंग है वो बहुत सारे ऐसे रीजंस है उसमें होता है। सपोज़ आपकी टायर में हवा कम है, प्रेशर कम है, या फिर कह सकते हैं कि आपके जो टायर की विड्थ है, प्रोफाइल विड्थ जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइल, टायर प्रोफाइल, वो आपने स्पेसिफिक साइज़ से कुछ ज़्यादा ही आपने अगर लगा रखा है तब भी आपका स्टीयरिंग व्हील टाइट होगा। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो हाँ एग्जैक्टली ये रीज़न हो सकता है कि आपका जो है व्हील अलाइनमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसमें आपको थोड़ी टाइटनेस फील हो रही है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी। तो बात है प्राइसिंग पार्ट पे। सो मेरी गाड़ी में अलाइनमेंट के लिए टोटल खर्च जो आया वो है 300 रुपीज़ ओनली। व्हील बैलेंसिंग के साथ उन्होंने कुछ बोला था 500 विद अलाइनमेंट, दोनों चीज़ें उसमें हो जाती, और 1 रुपीज़ पर ग्राम के हिसाब से जितना भी वेट पड़ता है वो टोटल पार्ट होता। तो खैर हमने व्हील बैलेंसिंग नहीं करवाया। जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हील बैलेंसिंग मैंने क्यों नहीं करवाया, इसका रीज़न ये था कि मेरी गाड़ी में जो टायर पड़े हैं उसमें से एक टायर जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म सा हो गया है लगभग, क्योंकि उसमें अगर हम देखें तो थ्रेड्स होते हैं जिससे हम ये चेक करते हैं कि कितना एग्जैक्टली अभी उस पर रबर बची है, कब तक इसको रिप्लेस करना है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप जब भी अपना टायर जो है रिप्लेस करेंगे तो उसके बाद आप अपना जो है व्हील बैलेंसिंग करवा लीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जा रही है गाड़ी, कोई वाइब्रेशन नहीं है। जो थोड़ा बहुत ड्रोन सा या वाइब्रेशन सा आ भी रहा था मेरी गाड़ी में वो सिर्फ अलाइनमेंट की वजह से था जो कि बहुत विजिबल था, जैसे कि आपने वीडियोस में देखा भी।
कि जो लाइन आ रही है वो उस वजह से आ रही थी कि कहीं ना कहीं टायर जो है वो रगड़ खा रहा था एबनॉर्मल तरीके से, तो ये उसका रीज़न था। तो अगर आप नोएडा में कहीं आसपास रहते हैं तो अगर आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पर्टिकुलर लोकेशन मैं आपको भेज दूंगा। प्रमोट मैं नहीं कर रहा, मैं किसी शॉप को, पर्टिकुलर शॉप को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने उसके बारे में नहीं बताया है यहाँ पे, बिकॉज दैट इज़ अ नॉन प्रमोशनल वीडियो कंटेंट। पॉइंट ये रेज होता है कि हमें कब अलाइनमेंट और अपना व्हील बैलेंसिंग करवाना चाहिए, एक ऑप्टिमल वी कैन से टाइम पीरियड, जो कि 9000 या फिर 8000 किलोमीटर अगर आपने चलानी है गाड़ी अपनी, तो हर एक 8000 टू 9000 किलोमीटर आप अगर चला लें तो उसको ज़रूर आप अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग परफॉर्म करें, बिकॉज वो आपके टायर की लाइफ बना के रखता है, और टायर की लाइफ के साथ साथ जो अदर पार्ट्स हैं वो उसकी लाइफ भी बना के रखेगा। सो गाइज, यहीं हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं, और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक मेरे लिए एक बहुत सपोर्टिव फैक्टर रहेगा कि आगे मैं अच्छा सा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। सो तब तक के लिए गुड बाय, और इस तरह से मुस्कराते रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार। बाय बाय, सी यू।